नमस्ते, मैं शुभंकरी। आप सबका स्वागत करती हूँ मेरा चैनल सोस फूड कॉर्नर पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इजी, इंस्टेंट और मज़ेदार रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जीरा राइस। ये इसका नाम मैं क्विक कुकर जीरा राइस बोलती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी बनता है। मुश्किल से 10-12 मिनट लगेगा और ये उन लोगों के लिए बहुत आसान है जो पहले पहली बार खाना बना रहे हैं या फिर जो हमेशा जल्दी में रहते हैं। तो देख चलिए देखते हैं हमको इसके लिए क्या चाहिए इंग्रेडिएंट्स। तो पहले मैं यहाँ पे लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस ली हूँ, 1 ग्लास ली हूँ। मैं इस ग्लास में मेज़र करती हूँ। आप अपने घर में जो भी चीज़ में मेज़र करते हैं, चाहे कप हो, ग्लास हो, आप उसमें मेज़र कर सकते हैं। तो इसका नाप ये है कि 1 ग्लास राइस के लिए 1.5 ग्लास पानी, मतलब कोई भी चीज़ में आप मेज़र करें तो वाटर का रेशियो 1.5 गुना होना चाहिए, पानी का रेशियो 1.5 गुना होता है। तो इस हिसाब से आप ले सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पे घी ली हूँ 2 छोटी चम्मच। आप तेल भी ले सकते हैं, पर घी से ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। मसालों में मैं यहाँ पे एक बड़ी इलायची ली हूँ, 1/2 इंच दालचीनी का टुकड़ा ली हूँ, 1/2 छोटे चम्मच में यहाँ पे जीरा ली हूँ और 1-2 तेज पत्ता ली हूँ। इसके अलावा घिसा हुआ अदरक ली हूँ 1 छोटी चम्मच। तो ये सारी चीज़ें हमारे घर में इजीली अवेलेबल रहता है। और नमक ली हूँ टेस्ट के हिसाब से, और बारीक कटा हुआ हरा धनिया ली हूँ 1 बड़ी चम्मच और 1/2 नींबू। तो चलिए बनाते हैं। पहले मैं एक यहाँ पे कुकर गरम की हूँ, प्रेशर कुकर मीडियम आंच पे गरम कर दी हूँ। इसमें मैं अभी 2 छोटे चम्मच घी डाल दूंगी। आप चाहे तो यहाँ पे तेल भी डाल सकते हैं या मिला के भी डाल सकते हैं, अपने ऊपर डिपेंड करता है, पर घी में डालती हूँ, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। बड़ी इलायची को मैं ऐसे हाथ से थोड़ा तोड़ के डाल दूंगी फ्लेवर के लिए, और दालचीनी डाल दूंगी और तेज पत्ता। तो ये तीनों को थोड़ा सा भून लेंगे, बस 10 सेकंड के लिए भून लेंगे। जब भून जाए तब अब इसमें हम घिसा हुआ अदरक डालेंगे, आधा डाल देंगे, बाकी आधा में रख देंगे नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। यहाँ पे थोड़ा अदरक को मैं भून लूंगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है अदरक भूनने में। जब अदरक भुना जाए तो इसमें मैं जीरा डाल दूंगी 1/2 छोटी चम्मच जीरा, और ये सारे सब चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे। तब तक बस चावल को धो ली हूँ मैं, धो के अब इस स्टेज में डाल दूंगी। पहले से मैंने नहीं भिगोया है, बस धो के यहाँ पे डाल दूँ। जितना भी चावल में पानी होगा बस उसको भून लेना है, 1-2 मिनट लगेगा, बस हल्का ही पानी रहेगा। चावल को अच्छे से धो के थोड़ा पानी निचोड़ के डालेंगे तो पानी कम रहेगा। बस देखिए पानी मेरा सूख गया, 1-2 मिनट में ही पानी सूख जाता है। आंच अभी यहाँ पे मैं मीडियम टू हाई रखी हूँ, नहीं तो चावल सटने लगेगा। तो बस चावल जब भुना जाए तो इसमें हम नाप के पानी डाल देंगे। तो मैं 1 ग्लास चावल ली थी तो 1.5 ग्लास पानी डाल दी। मिला लें, फ्लेम अभी हाई कर लें। अब यहाँ पे हम बाकी चीज़ें डाल देंगे, बस नींबू निचोड़ देंगे। 1/2 नींबू मैं ली हूँ, इससे चावल पूरा खिले खिले बनते हैं। और स्वाद के हिसाब से नमक डाल देंगे, मैं यहाँ पे 2 छोटी चम्मच नमक डाली हूँ, और बाकी जो अदरक घिसा हुआ था मैं बचाई थी उसको यहाँ पे अभी डाल देंगे। तो बस मिला लें और कुकर का ढक्कन लगा के हाई आंच पे 1 सीटी तक पकाए। याद रखिए हाई आंच पे पकाना है, बस 1 सीटी लगाना है। सीटी लग जाएगा, कुकर को एकदम ठंडा होने के लिए हम छोड़ देंगे। देखिए ठंडा हो गया, मैं छू पा रही हूँ। अब हम ढक्कन खोलेंगे तो बस हमारा गर्मा गर्म जीरा राइस रेडी है। अब इसको एक कांटे चम्मच के सहायता से साइड से हम मिलाएंगे। याद रखिए साइड से मिलाना है, कांटे चम्मच की सहायता से, ताकि चावल के दाने मिले नहीं। हल्का सा ऐसे मिला लें और जो धनिया पत्ते हम रखे थे उसको यहाँ पे चारों तरफ ऐसे डाल देंगे। डाल के फिर कांटे के चम्मच से हल्का से मिला ले, इससे पूरा रेस्टोरेंट टाइप का फील आता है। धनिया पत्ती ज़्यादा कुक नहीं होगा क्योंकि हम बाद में डाल रहे हैं, और खुला छोड़ दे कम से कम 3 से 4 मिनट तक। याद रखिए खुला छोड़ना है, ढक्कन नहीं लगाना है। तो बस 3-4 मिनट बाद हमारा जीरा राइस सर्व करने के लिए एकदम रेडी है। थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक्स से ध्यान रखेंगे तो बहुत जल्दी एकदम रेस्टोरेंट वाला जीरा राइस रेडी हो जाएगा। मैं उसको एक सुंदर सा प्लेटर में सर्व कर दी हूँ। खाना अगर अच्छा दिखता है तो खाने को मन करता है। तो बनाइए इस प्रोसेस से, एंजॉय कीजिए अपने फैमिली के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, लव लाइफ एंड हैप्पी फूडिंग।